तो नमस्कार ट्रेडर्स, एक नए शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। गिरते हुए क्रिप्टो मार्केट और अनिश्चित भारतीय मार्केट को देखते हुए यार क्रिप्टो करेंसी से दूर हो जाना ही यार हमें सही लगता है। लेकिन यार इन्हीं इसी असमंजस में कि क्या हम दूर हो जाए क्रिप्टो करेंसी से या अभी भी बने रहे, इन सभी के बीच यार काफी ऐसे भी कॉइन है जो कि यार मालामाल कर रहे हैं, लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में यार आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे कॉइन के बारे में, आई थिंक दो ऐसे कॉइन के बारे में जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पर दोहरा रहे हैं और दोनों ही अल्ट कॉइन है। पहला कॉइन है मेटा पे। काफी वीडियो भी मैंने इसके ऊपर बनाए हैं और काफी अट्रैक्ट करने वाला ये कॉइन अभी तक रहा है मेरी नजर में। और मेटा पे की बात करें तो यार यहां पर मैं इसके लाभ और हानि दोनों के बारे में बात करूंगा और दोनों ही चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि इसको बाय करना है या नहीं करना है। तो मेटा पे जिसकी यार प्राइस अगर 24 घंटे में देखोगे तो 2000% की तेजी इसमें देखने को मिली है। लेकिन क्या एक्चुअल में यार ये इतना ग्रोथ हुआ है, यही सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पर प्राइस भी काफी कम है जिस पर अगर आप खर्च करते हैं तो काफी 100 रुपए में 1000 रुपए में काफी कॉइन आ जाते हैं। मेटा पे क्या है एक्चुअल में, तो एक टोकन है जो कि यार मेटा जो क्वेश्चन यूनिवर्स के साथ यहाँ पर एक तरीके से मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैं जो मैक्साजिन यूनिवर्स है उसका एक गेटवे बनने की तैयारी कर रहा है। और कहीं ना कहीं मेटावर्स वाला ये कॉइन है जो कि यार मेटावर्स गेमिंग एनएफटीज के साथ यहाँ पर लॉन्च हुआ है। काफी अट्रैक्ट कॉइन है और लोगों को इसी कारण से ये काफी अट्रैक्ट करता है और इसी कारण से काफी देखोगे तो कई बार इसकी प्राइस तेजी से इंक्रीज हुई है। लेकिन यार इसकी एक चीज जो शायद किसी ने गौर नहीं करी है इसको खरीदने से पहले, एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं जो कि कहीं ना कहीं आपको इसमें उलझा सकती है, यानी कि इसको खरीदने से पहले यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं एक दिन में प्राइस इतना इंक्रीज हुआ कि 2000% की तेजी इसमें आ गई। एक्चुअल में ये हर बार ऐसा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ऑल ग्राफ करता हूं तो देखोगे हर बार ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी है और फिर से प्राइस वहीं पर आ चुकी है जहां से इसकी प्राइस स्टार्टिंग हुई थी। जैसे कि यहां पर आप देखोगे प्राइस ये थी, फिर प्राइस यहीं पर आ गई, आई थिंक उससे भी नीचे चली गई। तो यानी कि ऐसे कई मौके आए जब प्राइस बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है लेकिन अचानक डाउन हो गई है। और यहां पर एक चीज ये है कि यार ये एक तरीके से आपको फंसाने का तरीका होता है, ठीक है, ये कोई नहीं बताता है। प्राइस जब बढ़ती है जैसे 2000% की तेजी हुई तो फटाफट हमें लगता है अरे यार तेज बढ़ रहा है, हम खरीद लेते हैं, लोग इसी प्राइस पर बाय कर लेते हैं जैसे कि यहां पर या फिर इस प्राइस पर या फिर ये ऊंची उल्टी बिल्डिंग है ऊपर। और जब प्राइस नीचे गिर जाती है तो फिर बेचारे फंस जाते हैं और सेल करना पड़ता है। और यही पर ये जो इसके चुनिंदा इन्वेस्टर है वो फायदा उठाते हैं, प्राइस को पहले बढ़ाते हैं, पहले तो सस्ते दामों पर वो बाय करते हैं कॉइन्स को, फिर अचानक से बढ़ा देते हैं प्राइस को, ठीक है, और फिर से उन्हीं लोगों से वापस खरीद लेते हैं। तो इस टाइप से मुनाफा ये गेन करते हैं। यहां पर मैं दिखाता अगर कितने इसके एड्रेसेस है जिन्होंने इसको बाय किया है, होल्डर कितने हैं, उसका ग्राफ इन्होंने यहाँ पर दिया नहीं है। और एक चीज और यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब प्राइस हाई रहती है तब मार्केट वॉल्यूम देखो 22 मिलियन है और जब प्राइस लो है तो 3 मिलियन। यहां पर अगर आप मार्केट वॉल्यूम देखोगे तो 4 मिलियन और यहां पर आप देखोगे तो 5 मिलियन। मतलब कई बार ऐसे मौके आए जब हाई प्राइस होने के बावजूद भी मार्केट वॉल्यूम तेजी से मतलब घटा है, ठीक है, तो ये भी एक चीज है। तो यार इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, ठीक है, या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इसको जब प्राइस कम है तब बाय कर लीजिए और जैसे प्राइस बढ़ती है तब सेल कर सकते हैं, तो एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, यहां यहां से इसे बाय कर सकते हैं। तो मैं अच्छे वैसे तो अच्छा कॉइन है लेकिन बस थोड़ी सी इनकी चालाकियों से हमें बचने की जरूरत है। दूसरा कॉइन यार मैंने लिस्ट में रखा है वो ये है QUA, ठीक है, क्वारासी करके हम बोल सकते हैं इस कॉइन को। यहां पर आप देखेंगे इस कॉइन की प्राइस और 2000% की इसमें तेजी हुई है, 2 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है। यहां पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर ग्राफ भी यार काफी यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इतना ग्राफ था नीचे फिर चले गया है। कॉइन भी अभी नया मतलब लेटेस्ट कॉइन है जिसको आप बाय कर सकते हैं, फरवरी में लॉन्चिंग हुई है, प्राइस नीचे चली गई है, फिर से प्राइस यहाँ से बढ़ी है। स्टार्टिंग अगर देखोगे तो 2 रुपए से हुई थी,
फिर 5-6 रुपए पर पहुंची, प्राइस नीचे गई, फिर से बढ़ी है। तो ऐसे में यार ये कॉइन भी आने वाले समय में आपको थोड़ा बेनिफिट ज्यादा देकर जा सकता है। वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट पर देख सकते हैं किस पर्पस के लिए लॉन्च हुआ है। ये एक वन प्लेटफॉर्म डिफरेंट कोर कॉम्पोनेंट्स के ऊपर है, इंटर कनेक्टेड ब्लॉकचेन एडॉप्टर्स वर्ल्ड वाइड, कुछ इस टाइप से सर्विस यहाँ पर ये दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 10,000+ ऐप डाउनलोड, 800+ क्यू टोकन होल्डर्स, ठीक है, इस टाइप से बता रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन से रिलेटेड ऐप ऐप डाउनलोड वाला कई फंक्शन है, ये वर्ल्ड वाइड एडॉप्टर है, ठीक है, उसी पर्पस के लिए इसकी लॉन्चिंग हुई है। तो इस कॉइन को भी आप एक बार नजर रख सकते हैं, ये भी एक काफी अच्छा कॉइन आपके लिए साबित हो सकता है। तो ये दोनों कॉइन थे यार, मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।